नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम पायल पाठक है। और मैं हूँ सोहम पायल पाठक। नमस्कार पायल। शार्क्स, मेरी पूरी जिंदगी मैंने वेट लॉस के लिए काफी स्ट्रगल किया है। जहाँ जाऊँ जिसको पूछा सब ने एक ही चीज बोला, सलाद खाओ वजन घटाओ। अब इतने बोरिंग सलाद रोज कैसे कोई खा पाएगा। सही बात है। सो मैंने मेरे लिए ओवर द टाइम हेल्दी डिलीशियस एंड क्रिएटिव सलाद बनाना सीख लिया। आजकल ना तो लोगों के पास टाइम है सलाद बनाने का, ना ही इतने क्रिएटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैंने मेरे बेटे के साथ मिलकर स्टार्ट किया द सिंपली सलाद। द सिंपली सैलड एक अहमदाबाद का क्लाउड किचन है जो तरह तरह के हेल्दी, टेस्टी और क्रिएटिव सैलड्स आपके घर पे डिलीवर करता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लो फैट और लो कार्ब्स है। हमने इसमें रखा है फ्रेशनेस को बरकरार और हमारे हर सलाद को हमने दिया है एक इंडियन टच, और साथ ही साथ हमने इसको अफोर्डेबल रखा है। और आप हमारे सैलड वीकली या मंथली सब्सक्रिप्शन के द्वारा मंगा सकते हैं या इसे स्विगी जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमने इसकी शुरुआत 2020 अगस्त में की थी, तब से लेके आज तक में हमने एक छोटे से क्लाउड किचन में से 35,000 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं। वाओ, वेरी नाइस। और हम दिन के 80 से 90 ऑर्डर आसानी से डिलीवर करते हैं, और शार्क्स ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। नाइस, वेरी नाइस। और हमारा ये फोकस है कि आज ये सलाद हर घर हर शहर तक पहुंचे, लोग सलाद को ना ना कहे और खुश होके सलाद खाए। सो फॉर दैट हमारी आस्क है 30 लाख रुपीज फॉर 10% इक्विटी। ओह वाओ। मैं नॉर्मली बहुत एक्साइटेड होता हूँ कोई फूड पे चाहती है, बट आपको पता है सलाद देख के। पहले तो आपका शार्क टैंक में स्वागत है पायल जी। और कभी पहले सुना नहीं है कि कोई बेटा अपनी मिडल नेम में मदर का नाम लगा रहा है, तो ये आपका डिसीजन था या पायल जी आपका डिसीजन था? ये मेरा डिसीजन था, बिकॉज शी इज अ सिंगल मदर। ओवर द पीरियड शी हैज रेज्ड मी सिंगल हैंडेडली। जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने सब देखा जर्नी, एंड आई अंडरस्टूड दैट शी डिजर्व्स दैट माई नेम शुड हैव पायल। अब क्या उम्र है आपकी? 19 साल। अरे अरे, हैट्स ऑफ। तो पायल जी थोड़ा अपनी कहानी बताइए कि ये सिंपली सैलेड कैसे बन गया? मैं एक दोराजी करके राजकोट के पास एक सिटी है, वहाँ से हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं, और मैंने एजुकेशन वाइज एमकॉम किया हुआ है और साथ ही साथ फ्रैंकफिन का केबिन क्रू का ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। और मेरी शादी के बाद हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए, और सोहम 2 साल का था जब डाइवोर्स फाइल हुआ था। अच्छा। भगवान की कृपा से फैसला हमारी तरफ आया और सोहम हमारे साथ था। 2 साल बाद जब मैं वापस अहमदाबाद आई, मैं ब्रिटिश एयरवेज में एज अ रिजर्वेशन काउंटर ऑफिसर थी। अच्छा। पर जॉब से बात नहीं बन रही थी, तब ये पीजी का बिजनेस अहमदाबाद में बहुत ट्रेंड में था, तो सोचा कि चलो 4-5 लड़कियां रख लेते हैं तो थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा और सोहम को भी थोड़ा, कभी मैं नहीं हुई तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा। पीजी का मतलब क्या है? पेइंग गेस्ट। अच्छा, पेइंग गेस्ट। जॉब मैंने छोड़ दिया था और पीजी के बिजनेस पे ही मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, और ऐसे करते करते काफी, मतलब 150 लड़कियां थी मेरे पास बिफोर कोविड। पर लाइफ इज ऑलवेज अ रोलर कोस्टर, तो वापस कोविड आया तो लड़कियां सब चली गई और जो भी सेविंग था वो यूज किया। और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे स्विगी जोमेटो काफी आ रहा था, बैचलर्स रह रहे थे क्योंकि फैमिली चली गई थी कोविड की वजह से घर, तो उनको फूड की जरूरत थी। तो मैंने और सोहम ने मिलकर सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा फूड दे कि जो मार्केट में हमारे कोई कॉम्पिटिटर ना हो, कुछ ऐसा अलग दे। जो भी मम्मा मेरे लिए बनाती थी वो सब हेल्दी रहता था और साथ ही साथ टेस्टी भी रहता था। जैसे जो अपना व्हाइट सॉस पास्ता होता है दैट इज अनहेल्दी देखने जाए तो, मेयो रहता है एंड मैदे का पास्ता होता है। शी यूज टू मेक व्हीट पास्ता विद हंग कर्ड। तो आई सॉ कि मम्मा के पास वो एक स्किल सेट है, तो वाई नॉट गिव इट अ प्लेटफॉर्म। तो तब हमने द सिंपली सैलेड की शुरुआत की। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सोम, आपने आगे नहीं सोचा है, पढ़ाई नहीं करना आपको? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कहाँ पे? मैं सेकंड ईयर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में बीबीए ऑनर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। वेरी गुड, गुड। और साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो आप लोग दोनों मिलके काम कैसे करते हो और सोहम को क्या बोलते हो करने को? मैं रेसिपी पार्ट संभालती हूँ, सुबह का जो भी काम होता है रेडी करने का और वो सब वो मैं संभालती हूँ। और जैसे अभी 50 कस्टमर है तो 3 ड्राइवर है, तो वो कौन से एरिया में कौन से कस्टमर जाएंगे वो सब काम सोहम का है। उसके अलावा फाइनेंस का काम सोहम देखता है, सोशल मीडिया का काम वो देखता है। बाकी जो मैनेजर वैनेजर नहीं रखा हुआ? अभी नहीं। ये सैलेड हर शार्क तक पहुंचेगा कि नहीं? श्योर सर।
मैं सैलेड वाला इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये जैसा है, यू विल एंजॉय है ये आपके लिए। कम ऑन, मेरे लिए स्पेशल क्यों लाए? मतलब सबके लिए स्पेशल, पर मैं सैलेड नहीं खाता। मजा आएगा सही में, आई प्रॉमिस। ट्राई इट, ट्राई स्पून। क्या है? दिस इज मैजिक सैलेड। मैजिक सैलेड मेरे को बिना दूध का चलेगा? तो दूध है? नहीं, दूध किसी में नहीं है। अच्छा, पनीर है। मैं ये रख लेता हूं। ये स्प्राउट बेल है, ये मैजिक सलाद है। वो मैजिक। और ये क्या चीज है पायल जी? ये मल्टीग्रेन मुरमुरा है। तेरी होता क्या है? मुरमुरा 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 मूड़ी। सैलेड इज वेरी गुड। थैंक यू। वो क्रैनबेरी का फ्लेवर बहुत अच्छा है। रियल स्वीट टच। ये मुरमुरा डाल के एंड हरी चटनी डाल के। तो ये हरी चटनी है कि कुछ और रेसिपी? इसको देख, वाओ वाओ कर रहा है। खाता था मेरे साथ बैठ के जब तक। ये एक और है क्या? ए मुझे मुझे भी एक देना मामला। दिस इज द बेस्ट, दिस इज अ विनर प्रोडक्ट। सही बोला। आई थिंक आपकी मॉम का कुछ हेल्दी प्लस टेस्टी का जादू सच में आता है। इसमें एक हिडन इंग्रेडिएंट है, दैट इज हर लव। ओह दैट्स सो स्वीट, माँ का प्यार। ठीक है, अच्छा है। पायल जी, मैं आपका कस्टमर बन गया हूँ फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। प्राइस बता दीजिए इसका कितना है बोल का आपका? ये अगर आप वीकली सब्सक्राइबर बनके मंगाएंगे तो 180 पर डे पड़ेगा। That's nothing। और मंथली? 150। 180 तो महंगा है। नहीं नहीं है। एवरेज प्राइस ऑन स्विगी ज़ोमैटो इज 350 टू 400 फॉर अ गुड सैलेड। तो अपना बिजनेस मॉडल समझा दीजिए। तो जो वीकली मंथली सब्सक्राइबर्स का टोटल है दैट इज 50 आउट ऑफ 80। एंड जो स्विगी जोमैटो है वो कभी 30 रहता है, कभी 35 रहता है, तो वो ऊपर नीचे। दैट इज आवर बाइफर्केशन 64%, 36%। और रेवेन्यू कितना है दोनों का कंबाइंड पर मंथ? पर मंथ 4,42,000। अच्छा, और इसमें मार्जिन भी अच्छा खासा होगा? यस, सो ग्रॉस इज 64% एंड नेट इज 47%। तो आपके घर में बच गया 2,00,000 रुपया महीने का। यस, ठीक है। यस, वाओ, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। और आपको इतनी नॉलेज है, जरा ये बात समझाइए कि व्हाट इज योर मार्केट बिजनेस प्लान? पहले तो बात आती है रेडियस की। तो अहमदाबाद में अभी द सिंपली सैलेड कवर्स 35-40%। तो हम दो आउटलेट्स एक तो सेटअप करना चाहते हैं इन द गोता एरिया एंड वन मोर इन शाहीबाग एरिया। देन वी कैन कवर द होल ऑफ अहमदाबाद वेयर देयर इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ सैलेड। यहां पे हमें तो 3x हो जाएगा आपका बिजनेस। ठीक है, फिर आगे? जैसे हमारा मार्केटिंग कॉस्ट अभी तक कुछ नहीं रहा है, और वो इंस्टाग्राम प्रमोशन में मैं मम्मा को बोलता था कि मुझे मंथ के 4,000-5,000 दे दो, मैं उसमें प्रमोशन में ही यूज करूंगा और वहां से ऑर्डर ले आऊंगा। तो ये ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है? ऑर्गेनिकली, यस। वर्ड ऑफ माउथ? यस। विनीता, देखिए अगर एक डेफिनेशन दिया जाए आपके बिजनेस को, आज की तारीख में ये प्राइमरली एक सैलेड टिफिन सर्विस है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह फैंसी नेम्स हो गए आजकल, बट इट्स अ टिफिन सर्विस। ठीक है, और स्विगी और जोमैटो से थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है। तो मैं दोनों से अलग अलग सुनना चाहता हूँ, आप एंड में क्या चाहते हो? इसका आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको दूंगी। मुझे कोई पूछता है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है या तो आपका सेविंग क्या है, तो मैं बोलती हूँ कि ये है। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो मुझे इसको मतलब ये एक अच्छी जगह पे पहुंचे उतना ही मुझे। और आपके लिए अच्छी जगह क्या होगी? कितने पैसे कमाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट विद इन 5 years मंथली हमें अराउंड 50-60 lakh का सेल अर्निंग दे। साल का 6 crore का सेल हो? यस यस, ये टॉप रेटेड सैलेड आउटलेट बन जाए इंडिया का और इसकी चेन। मुझे लगता है कि आपको इसको एक्सपैंड करना है, बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आपको कोई एक बिजनेस मैनेजर रखना पड़ेगा, उसको भी शेयर्स देने पड़ेंगे थोड़े से, सो दैट उसका भी बेस्ट इंटरेस्ट हो इसको ग्रो करने में। ठीक है, इट कैन बिकम अ बिग बिजनेस। सो मैं और विनीता आप कुछ बोलेंगे और ऑफर देंगे। चमत्कार हो गया, बटर चिकन वाला सैलेड की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, सचमुच चमत्कार है। धंधा धंधा है क्या? तो पायल जी, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है आपके हिसाब से? कंसिस्टेंसी,
लगे रहो, कुछ भी हो जाए. Absolutely. हिम्मत मत हारो कभी भी. इसको ग्रिट कहते हैं. यू नो स्टडीज बोलती हैं कि मदर्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ग्रिटी होती है. उसमें सिंगल मॉम्स की ग्रिट कुछ और ही लेवल का होता है. एंड आई थिंक आप लोग अभी बहुत छोटा सोच रहे हैं, 5-6 करोड़ ये वो, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है. मैं और अमन आपको ऑफर देना चाहते हैं एग्जैक्टली जो आपने मांगा था, 30 लाख फॉर 10%, अमन 5%, मैं 5%, हम साथ में आएंगे. सो हम आपकी स्माइल देख के दिल खुश हो गया. ये द बिगेस्ट स्माइल. आई जस्ट मतलब मम्मा की जो भी पूरी मेहनत है वो आज रंग ला रही है. देखिए आपकी मम्मा में ग्रिट है और आप में ग्रेटिट्यूड है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना. हाँ, और तीसरा जी गुप्ता मैं हूँ. चलिए एक ऑफर आपके पास आ गया है. Yes. नमिता और अनुपम आपने क्या सोचा है? मैं आउट हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आज इतना अच्छा ऑफर मिला है, बिकॉज आपको ब्रांडिंग कंज्यूमर इनसाइट्स की बहुत जरूरत है. यू कांट गेट बेटर इन्वेस्टर्स देन विनीता एंड अमन एज अ कॉम्बो, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं. थैंक यू. थैंक यू मैम. चलिए मेरा नजरिया भी शेयर कर देता हूँ. थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नॉट जो इंटरनेट पे दिख गया या सुपरफिशियल, थोड़ा डीप जाइए. हेल्थ और न्यूट्रिशन में स्टडी कीजिए. ओके. तो उसको समझिए, परखिए, उसमें डीप घुस जाइए और आगे जाके आप शायद पूरी मील सर्विसेज भी बना सकते हैं बेस्ड जस्ट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. जिस तरह से आपने समझाया कि आपका सपना क्या है, आपको 5-6 करोड़ रुपये 4-5 साल में बनाने हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत. आप यहाँ तक पहुँच गए वो करते करते वहाँ तक भी पहुँच जाए. और इन्वेस्टमेंट जब लेता है ना आदमी, तो कंपनी की दिशा थोड़ी अलग हो जाती है, चाहे किसी से भी. तो इसलिए मैं आज आउट हूँ, लेकिन गुड लक टू यू, व्हाटएवर पाथ यू चूज. थैंक यू. थैंक यू. यहाँ पे बहुत बिजनेसेस आते हैं, हम सबको यही बोलते हैं, इंडिया में सब्सक्रिप्शन नहीं चलता. आप एक पहली कंपनी आए हो जो बोल रहा है कि मेरा 60% बिजनेस सब्सक्रिप्शन है. आई थिंक आपको उसी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको स्केल करना है आप शायद इसको डिसरप्ट कर लें. मैं भी इससे बाहर होता हूँ. अगर आप इन ये ऑफर नहीं देते तो मैं आपको ऑफर दे देता, बट आई थिंक दिस इज अ गुड ऑफर एंड दे बोथ आर वेरी केपेबल टू हेल्प यू. थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन. आपको याद है इसके विनीता के दो जी कौन से थे? यस, ग्रेट एंड ग्रेटिट्यूड. और तीसरा जी गुप्ता भाई. और चौथा जी बताऊं? ज्ञान. बंद करो. धंधा करते हैं. स्टार्ट. तो आप डील डन? डील डन. वाओ, लवली. 19 इयर्स मैन, व्हाट अ गाय यू आर. लेट्स बिल्ड इट अप मैन. कम एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी सपोर्टेड. ले लीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.